स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी, सिचुएशन है, एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग चाहिए था, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि उस गाने को कुछ ऐसे थोड़ा अलग ट्रीट किया जाए जो जो ये गाना इस फिल्म के माहौल में ठीक बैठ सके, तो उसी हिसाब से उस गाने को लेकर ठीक है। आपको पूरी कहानी पता चल गई इसमें से? मैं सवाल समझा नहीं, तो इस लाइन से आपको पूरी कहानी पता चल गई आपके? जी नहीं, ये कि ये सच नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं ट्रेलर में नहीं डालता है, क्योंकि जितने टिकट बिकने वाले वो भी बिकते। सो इस डायलॉग से कहानी की सिर्फ शुरुआत होती है, उस कहानी की सिर्फ शुरुआत होती है, और आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहानी कहीं और ही जाती है। क्या है कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसी रात वो अमेरिका निकल रही है फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उसे इनसिक्योरिटी है कि और वो उसे चढ़ा रही है, कह रही है कि देखो मैं तो वहाँ जाके सब कुछ कामासूत्र सिखा दूँगी, तो वही लाइन है कि और मेरी जो इनसिक्योरिटी है उसे और भी दबा के उसे और भी तड़पा रही है, तो उसी लाइन का सुना रहा था। ऐसा रोल करते करते अपनी खुद की जिंदगी में मैं कौन सा चेंज लाया है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि अच्छा मेरे कैरेक्टर को कैंसर हो गया और उसके आखिरी मतलब जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ये कह रहे हो ना तुम? हाँ खड़े हो जाओ, क्या कह रहे हो? ये कह रहे हो ना? लाइफ लाइन हाँ सोशल मैसेज नहीं यार, अगर कोई मैसेज है तो ये है कि हमें पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है किसी को भी, यू नो जिंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है किसी को भी, तो ऐसे भी नहीं कि मतलब पागल की तरह जियो, लेकिन ये याद रखना कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, और खुल के जियो जितना जी सकते हो, दूसरों को दर्द मत पहुँचाओ और गड़बड़ मत करो और लॉ मत तोड़ो, लेकिन नियम के अंदर मस्ती करो यार, ठीक है? तो बाल कटो आपको, सबसे पहले ये करो। एक्सक्यूज मी सर। नो हैंग ऑन, शी इज टॉकिंग। एक्सक्यूज मी। नो मैडम, स्टैंड अप योर सर। हेलो, हाँ एग्जैक्टली। सबके लिए डरा हूँ, क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ होती है तो डर तो थोड़ा बहुत लगता है, बहुत लोगों ने मेहनत की सारा ब्याह के लिए, तो उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने है, तो
ऐसा लगेगा कि मेरी खुद की फिल्म रिलीज़ हो रही है और पहली फिल्म हाजिर होती है, वो उनका ख्वाब है, तो हम चाहें कि उनकी सारी ड्रीम्स यू नो सच्चाई में बदलने पर दस दैट। करीना जी तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं और अगर आप उनको कमबैक बोलो तो वो शायद कुछ लिखेंगी आपके जैसे जूता, क्योंकि उनके हिसाब से वो कहीं गई नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और जहाँ तक मैंने देखा है फिटनेस और हेल्थ पे इतना कॉन्सेंट्रेट किया उन्होंने कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए वापस आना। सो आई थिंक यंगेस्ट गेट्स द मोस्ट अटेंशन। सारा सर आपकी फिल्म के पीछे क्या कहानी रही? आई नो राइट जी, थैंक यू। कालाकांडी जी एक रात की कहानी है। ये अलग लोग जो हैं इतने वेरी नाइस मिस्टर कुणाल जो शोभिता जी से प्यार करते हैं फिल्म में जी, लेकिन थोड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि वो विलायत जा रही है पढ़ने जी। मुझे जैसे भाई साहब ने कहा, बताया जाता है कि पेट खराब नहीं है तुमको कैंसर है जी। तो अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाता हूँ जी। दीपक साहब जो हैं विजय राज के साथ दो माफिया के एम्बिशियस और काफ़ी टेढ़े व्यक्ति हैं, तो एक रात में क्या होता है और एक हादसे की वजह से सबकी ज़िंदगी कैसे अफेक्ट होती है। एक बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है। जब कल रात को मैंने पहली बार देखी, एक्चुअली पहले भी देखी थी लेकिन फाइनल रूप में कल शाम को देखी, और थोड़ा हंसे थोड़ा रोए और क्या चाहिए फिल्म से। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाइए अपनी फैमिलीज के साथ देखिए। थैंक यू शेफ इस तरफ इधर सॉरी लेडी। इस चीज़ का प्रेशर होता है एक एक्टर पे जब अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी फिल्में नहीं चले तो एक जो बोलते हैं एक अतिरिक्त प्रेशर एक होता है एक्टर पे। मैं आपकी पिछली दो फिल्मों की बात कर रहा हूँ, काम आपने बहुत अच्छा किया लेकिन बॉक्स ऑफिस सक्सेस फिल्म को नहीं मिली जी। नहीं, प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि अल्टीमेटली मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी पैसे कोई दे रहा है। मैं खुद का टिकट खरीद के नहीं आया, मैं और इम्पीरियल होटल ये रूम का भी भाड़ा कोई भर रहा है, तो अल्टीमेटली पैसे कमाना ज़रूरी होता है फिल्म को, और अगर नहीं चलती है तो सबको दुख होता है, जैसा कोई मर गया ऐसा लगता है। भारी बोझ तो रहता है और प्रेशर हमेशा रहता है, लेकिन कुछ फिल्में चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, हमको फिलोसॉफिकली भी लेना पड़ता है इस बात को, और हम कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती हैं जैसे हमारा वेट और हमारा काम, और बाकी चीज़ें तो आप पे हैं और ऊपर वाले पे। एक सवाल और, कल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एंथम के लिए ये किया कि अब वो ज़रूरी नहीं है सिनेमाघरों में उसे फिल्म से पहले नेशनल एंथम को चलाना, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछली बार उन्होंने कहा था कि नेशनल एंथम फिल्म से पहले चलना चाहिए, अब उन्होंने अपने फैसले को पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो ज़रूरी नहीं है, कैसे देखते हैं आप इसे? आई थिंक यू नो जो भी इस सरकार को डिसाइड करे वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ हमेशा, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो यू नो देखने लायक हैं। 377 को भी देख लीजिए, मैं तो कहूँ। हाय, दिस इज चारू फ्रॉम डेली 99। जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है वो कैंसर पे बेस्ड है, बहुत सेंसिटिव है, और ट्रेलर देखने के बाद समझ में आया कि बहुत ही मस्ती मजाक में उसको लगा दिया गया। कैंसर पे एक पहले भी मूवी बन चुकी है आनंद करके, उस मूवी और इस मूवी में कितना डिफरेंस है? द सेम डिफरेंस बिटवीन आनंद एंड देव आनंद। सोल ऑफ कॉमेडी, और टू पोर्ट्रे प्रॉब्लम्स विद ह्यूमर इज कॉमेडी, यू नो। सो आई आपने तो फिल्म नहीं देखी, आप बोल नहीं सकते। इट्स नथिंग, इट्स गॉट एज मच, इट्स गॉट एक्चुअली वेरी लिटिल टू डू विद कैंसर, यू नो। It's to do with like, I mean, we all have cancer in a way. Everybody's going to die. Nobody knows when. So it's just a metaphor. It doesn't matter. It's not about cancer. It's not like Anand. It's, right, sir? Not about cancer. Yeah, absolutely.
a terminal disease. Hello, Saifali ji. Sir, Saifali ji, जिस तरह से फिल्म का नाम काला कांडी रखा गया तो क्या लगता है कि जीएसटी का इस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यार मैं जीएसटी को तक पूरी तरह समझ नहीं पाया, मैं सिर्फ भरता हूँ। गब्बर सिंह टैक्स है सर, उसको आई नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, लेकिन उसका सिस्टम मुझे अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया। सॉरी, मैं सिर्फ फिल्म में थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। सर एक कोई कांड बता सकते हैं जो इस पिक्चर में आदमी काला कांड जो एक हमारा हाँ, कोई भी एक कांड जिसके कारण इस पिक्चर का नाम काला कांड? इंटरनेट पे जाओ, लिखो सैफ अली खान की कोई कांड, सब आ जाएंगे जो भी क्या है सामने। चलिए ठीक है सर जी, अच्छा आप पहले तुम लिखते किसके लिए? तुम जर्नलिस्ट हो, किसके लिए लिखते? ऐसी न्यूज, ओके ऐसी न्यूज। हाँ भाई, मतलब यही कोशिश करते हैं ना दीपक भाई, ऐसे लोगों से सोच इंस्पायर होके कि अलग अलग रोल्स करो और जो भी हमें ऑफर किया जाता है उसका बेस्ट हम चुन लेते हैं। कभी कभी हमें अच्छा अच्छे चॉइसेस मिलते हैं। किसी ने मैम से पूछा कि आप यू नो कुछ बोलना चाहेंगे फिल्म में, तो बोले मैं क्या बोलूँगा, मैं यू नो जैसे पब्लिसिटी में अगर आप हमसे पूछोगे कि कैसी फिल्म है, हम बुरी फिल्म है थोड़ी बोलेंगे। अच्छा सर, सर यू आर ग्रेट एक्टर एंड एवरी टाइम आई सी यू ऑन स्क्रीन लुक मोर एंड मोर हैंडसम। सर इधर, सर जी इधर, हेलो सर। आज इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, ऐसा लगता है कई जो व्यूअर्स हैं देखने वाले हैं वो जो आपके चाहने वाले हैं वो छूटेंगे, ए सर्टिफिकेट मिला है सेंसर का। मैं पता नहीं वो देखेंगे कितने सीरियस हैं थिएटर्स में, अगर मतलब बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं देखनी चाहिए ना। दीपक जी ने बहुत गालियाँ दिया फिल्म में, इसलिए ए सर्टिफिकेट जस्टिफाई आता मेरे बच्चे ये सुने। नहीं आप मानते कि ये सर्टिफिकेट जस्टिफाई है सेंसर बोर्ड ने दिया? 100% बिल्कुल जस्टिफाइड है, तो डबल ले देना चाहिए था। अच्छा ओके बाय। हेलो टीम, कुछ है कल देखा कुछ मज़ेदार तो हुआ है ना, हमारे डायरेक्टर साहब को एक्टर साहब भाई सब खुश है तो कुछ तो हुआ है। एलिब्रेट तो अब फिल्म देखिए उसी में पता चलेगा, और तभी मैं ज़्यादातर क्या है कि ना तो फिल्म के पोस्टर पे रहता हूँ है ना, और यही मुझे खुशी भी मिलती है कि अचानक से फिल्म में अगर मैं हूँ तो कुछ पब्लिक वाह ये क्या किया। अगर पहले ही अगर मैं पोस्टर पर देखने लग गया ना तो मैं खुद ही वो हो जाऊँगा, पब्लिक भी हो जाए क्या कर रहा होगा, पता नहीं वही कर रहा होगा यही सब जो भी है, तो अचानक से और मुझे खुशी भी मिली और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही चले कि वो फिल्म में नाम ही काफ़ी है ना। तो इस फिल्म में भी कुछ अच्छा किया है थोड़ा बहुत, जब तारीफें मिली हैं हमारे टीम से तो देखेगा तो कुछ तो अलग है। मैम आपने बॉलीवुड में एंट्री रमन राघव से की थी जो कि थ्रिलर और सस्पेंस मूवी थी, और ये जो कलाकंदी है वो मूवी डार्क कॉमेडी है, तो दोनों बिल्कुल अलग जॉनर की मूवी है, तो आपका एक्सपीरियंस दोनों में कैसा था और बेटर एक्सपीरियंस किस मूवी में आप बोलेंगे कि इस मूवी में मेरा एक्सपीरियंस बेटर था, लाइक ऑनेस्टली इफ यू आंसर ऑनेस्टली। I can't compare two characters because they have their own life, they have their own story. So, मैं कैसे compare करूँगी? Like,
that would be vague actually. Raman Raghav is my first film, and obviously it was a great experience for me. It was a great learning ground for me. I got to work with people I admire very much. And with Kala Kandi, which I did after that, I auditioned for it, and it's a great script. It was so fun working with him, and I think it really, I got to grow as an actor with this film. I feel very fortunate actually, and I hope ki main aise alag films, you know, I get the chance to keep doing different films like this. That's the whole point. That's the whole thrill of being an actor. You get to live the lives of other people. Thank you. Hi everyone, I'm Trey Chauhan from Delhi. फिर ये है कि इस फिल्म की एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हंसी है इस फिल्म में वो किसी न किसी के दर्द से या मजबूरी से निकली हुई है, और मजबूरियाँ भी बहुत है और दर्द भी बहुत है, तो वही फन है इसमें, ये बहुत फन है. Hi everyone, I'm Trey Chauhan from 10 News. My question is for Deepak. Deepak, अगर आपकी comic timing की बात करें तो एक another level पे है, अगर हम तनु बट्स मनु में भी देखें दोनों movies में. But मेरा question ये है कि अगर आप A-listers के साथ किसी के साथ movie करते हो जो कि big movie है, तो आपके काम को पसंद करते हैं लोग. जब आप किसी A-lister या बड़ी movie में काम करते हैं तो आपके काम की चर्चा होती है. बट अगर आप कोई छोटी मूवी करते हैं लाइक एक्टर्स लाइक यू एंड नवाजुद्दीन और एक दो और एक्टर्स हो रहे हैं, तो उस मूवी को कोई देखने नहीं आता मोस्टली, बहुत कम लोग होते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, क्या ऐसा बॉलीवुड में क्यों है कि आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है आप इतने अच्छे एक्टर होते हुए भी? ये देखो, बड़ी फिल्म जो है उसका बहुत ही एग्रेसिव प्रमोशन होता है ना, तो उसका बजट रहता है कि आधा बजट तो जितने की फिल्म है उसका आधा बजट तो प्रमोशन पे जाता है उनका, मतलब 100 करोड़ की फिल्म है तो 50 करोड़ प्रमोशन पे गया, हमारा 5 करोड़ नहीं, हमें देखना है क्या करना है भाई. बट अब बोलते हैं इंडिया में थिंग्स आर चेंजिंग, ऑडियंस बहुत मैच्योर हो रही है, फिर भी बट उतना नहीं हो रही है, बहुत है बहुत है, बस हमारे ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है, टैक्सेस लग गए ना तो वो बहुत ज्यादा, इस वजह से ठीक ठाक रिकवरी हो जाती है छोटी फिल्मों की भी. कोई भी जो फिल्म है आज हर तरह का दर्शक वर्ग है, हर तरह की फिल्म के लिए, हर तरह के जॉनरा के लिए दर्शक वर्ग है, मौजूद है ना, वो देख रहे हैं, मतलब दर्शक भी अपने आप को स्पेशल फील करने लग गए कि यार मुझे उसकी फिल्म नहीं देखनी जिसकी सब देख रहे हैं, मुझे इसकी देखनी, मुझे उसकी देखनी. तो हर दर्शक भी एक व्यक्तिगत तौर पे फिल्म से रिलेट करता है, एक्टरों से रिलेट कर रहा है, और वो आ रहा है. थोड़ा टाइम और लगेगा, शायद 5-6 साल और लगेंगे, लेकिन ज़माना बदल रहा है. माय अनदर क्वेश्चन इज फॉर सैफ. सैफ, यू हैव बीन पार्ट ऑफ ब्रिलियंट रोमकॉम्स एंड मूवीज लाइक सलाम नमस्ते, कॉकटेल्स, यू हैव बीन पार्ट ऑफ मतलब डिफरेंट मूवीज, सो व्हेन वी कैन सी यू back again in that role, or you can say you are playing that yeah, rom-com should be about a really young guy, you know. I think I'm but Cocktail you have done in 2013. I feel but it's not a great idea. Rom-com, yeah. Ideally, yeah, should be like an action film, should be done by a tough guy, right? Or not necessarily, but usually. So a rom-com should be a young guy who doesn't know his mind. There are no villains in a rom-com usually. The villain is because the hero is clever. He doesn't understand. He doesn't want to get married or something like this. You know. So there's an age for that. So I had a great time. That was lovely. But I'd like to do something a little more age appropriate. Something that's more sensible for where I am. I'm very happy in life. If I can do films like this, I'm more happy. I don't want to go back. You know, you have to move forward. And my final question to you is, you've been not a part of the Race 3, but the Race franchise anymore. So what's your take on that? Salman Khan is the, like, great... Ramesh Dharani asked me, he said, I'm making a completely different movie this time, with a totally different story. Yeah. So, I was offered a part in it, actually. Okay. But Salman Khan is the best thing to happen to any producer, he's the biggest star in the country. And, you know, I love him and I love Ramesh Ji. Yeah. He's like he's, you know, one of my favorite people in the world. So I bless them both. And I didn't feel a connection myself for the part I was offered. So I decided to do something else. And another question for the director. We have seen Delhi Valley and there were quite abuses in that. बहुत गालियाँ थी उसमें. तो ये गालियों की inspiration आती कहाँ से आपको, क्या आपका बचपन में कुछ गालियों की inspiration? ये वो बात तो ये कि
वो कैरेक्टर का डिमांड होता है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कोई ना कोई गाली दे रहा है. तो वी कांट सेपरेट व्हाट द कैरेक्टर इज सेइंग, द लैंग्वेज दे यूजिंग फ्रॉम द कैरेक्टर. वी कांट जस्ट से कि मैं सिर्फ गालियों को सुनूंगा और ये नहीं देखूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन कह रहा है. सो जहाँ ज़रूरत है वहाँ है और जहाँ ज़रूरत है नहीं है वहाँ नहीं है. एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि दिल्ली बेली में भी काफ़ी गालियाँ थी और इसमें भी ट्रेलर मेरे हिसाब से हर गाली उस फिल्म में ज़रूरी. ओके थैंक यू. नहीं उसमें ये भी होता है ना कि इसमें हमने ये नहीं दिखाया कि भाई हमें क्या क्या गालियाँ आती है. वो जो जो गालियाँ दे रहे हैं उनकी वो ज़रूरत है, वो तकिए कलाम है. और आपको फिल्म देखते हुए ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, शर्तें बोल रहा हूँ, आपको कहीं भी नहीं लगेगा किसने गाली दी. वो जैसे आमतौर पर हमारे जो दोस्त हैं यार बोल देते हैं ऐसे निकल जाए गालियों से कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ तो नहीं वो लगेगा नहीं बिल्कुल भी कहीं पे भी. तो और फिर वो कई जगह क्या होता है दिखाने के लिए गालियाँ होती है कि भाई मुझे ये वाली गाली इतनी गहराई से आती है, मतलब समझाते हुए घुमाते हुए मजा लेते हुए चुटकी लेते हुए बहुत लोग ये करते हैं. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें गालियाँ एक पार्ट है, कैरेक्टर्स जो है उस दुनिया का. अगर वो दुनिया सच्ची लगती है आपको तो आपको गाली बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी इसमें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके नाउ वी विल हैव वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन इट्स अ रैप. यस सर. हेलो सर, माय नेम इज अबीर, बॉलीवुड कवरेज से हैं हम लोग. एक बात जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आजकल की जो फिल्में बनने लगी हैं खास करके जब से गैंग ऑफ वासेपुर आई है तब से गालियों का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि हर इंसान हर फिल्म में गालियाँ डालने की कोशिश करता है. तो आपकी फिल्म है इसमें भी काफ़ी तरह की गालियाँ दी गई हैं, तो इस तरह की गालियाँ जरूरी हो गई हैं क्या फिल्मों को चलाने के लिए? गैंग्स ऑफ वासीपुर से पहले ओमकारा आई थी 6 साल पहले, उसमें भी बहुत सारी गालियाँ थी. ठीक है, तो गालियाँ जो है वो एक दुनिया का पार्ट है, एक ऐसी दुनिया है जिसको अगर हम सच्चाई से पेश कर रहे हैं और अगर हम आदर्शवादी लाइनें देते हैं उन्हें तो वो झूठी लगने लगेंगी. जी भाई ये बंदा ऐसे बोलता ही नहीं, ये गुंडा है बोल रहा है महाशय आप मेरे घर पे 2 करोड़ पहुँचाए नहीं तो मैं अदब से आपको गोली मारूं, इस तरह की बातें नहीं करते हूँ. लेकिन हमारा यूथ आपको फॉलो करता है सर. नहीं क्या असर पड़ेगा इस चीज़ों का? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा. जिसको जो फर्क पड़ेगा वो ना देखे. अगर कैसे अजीब सवाल करोगे, मतलब बेवकूफ सवाल है, बहुत ही बेवकूफ सवाल. यूथ फॉलो करेगा का मतलब क्या होगा? लोग फिल्म देखते हैं, माँ बाप पे है अपने बच्चों को पालना. हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि यूथ को संभालना, हम फिल्म बनाते हैं. आपको देखिए, सुनिए आप मेरी बात, आपको देखनी है आप देखिए, नहीं देखनी है मत देखिए. ए से एक सेंसर बोर्ड है, सेंसर सर्टिफिकेट मिला है, एफ कैट है. ऐसे तेरे सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते. हम लोग यूथ आइकॉन्स शायद हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन जब हम पर्दे पर कुछ दिखाते हैं तो हम एक असलियत दिखाने की कोशिश करते हैं. अभी तुम ऐसे ही चलो गड़बड़ सवाल करोगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. हेलो सर, मेरा सवाल अक्षर चीज है. थैंक यू सो मच, इट्स अ रैप नाउ. थैंक यू फॉर योर टाइम. Now we can have a group call here. We can have a group picture here with the star cast. Thank you so much.